पास जाना है। बेटा कौन है तेरे आई? ये देख। अंकल मुझे मेरी आई से मिलना है। कौन हो तुम और कहां से आई हो? तुमसे किसने कहा तुम्हारी आई यहाँ रहती है? मैं पिंकी हूँ, पनाला से आई हूँ। ये देखो। सुनो कौन है ये? नहीं कोई नहीं, जाओ तुम अपना काम करो जाओ। आई ईश्वर की दी हुई सौगातों में से एक है रिश्ते, जो हमें जन्म से मिलते हैं, जिन्हें हम चुनते नहीं। मुश्किल घड़ी में रिश्ते हमारा सहारा बनते हैं। माँ बाप, भाई बहन, ये वो तमाम रिश्ते हैं जो सदा अपना फर्ज निभाते हैं। शायद ही ऐसा कुछ होगा जो लालच और स्वार्थ से दूषित ना हुआ हो। और अगर ये प्रदूषण हमारे रिश्तों में भी प्रवेश कर जाए तो क्या तब भी ये दूषित प्रवृत्तियां हमारे रिश्तों के सुरक्षा कवच को भेद किए बिना रह सकती हैं? हमारा आज का ये एपिसोड गुनाह का एक नया आईना है, और इस आईने के दृश्य में वो गुनाह रेंगते हैं जो इंसान के शरीर से होते हुए उसकी आत्मा तक को निकल जाते हैं। बेटा तुझे तेरी आई के पास नहीं छोड़ेंगे, फिक्र मत कर। चलो बेटा चलो चलो चलो, चलो। अरे मम्मी के पास जाना, मम्मी के पास चलो 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 चलो। अरे वाह, ये रखो यहाँ का। चलो 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 चलो, मम्मी के पास जाना है तुम्हें। अंकल आज जंगल में रहती है? हाँ, आई से मिलना है ना? मिल। दोबारा आई का नाम लिया या हमारे घर आई तो इधर ही जंगल में गाड़ दूंगा तुझे। समझे? चल। वो बच्ची नहीं, मौत है मौत। उसे मार के दफना देते ना कहीं। तुम्हारे दोनों का दिमाग घास खाने चला गया था। आहो, ये आई दिमाग खाने। क्या है? आई वो नीचे पुलिस आई है। श्वेता दलवी ओळखता? हाँ हाँ साहब, वो बहन है मेरी। कल वो यहाँ आई थी? हाँ आई थी साहब। हाँ लेकिन वो कल के कल ही वापिस चली गई। हाँ। कहाँ गई? अपने ससुराल। वो यहाँ से तो निकली थी लेकिन वहां पहुंची नहीं। उसके पति अरुण दलवी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है। पहुंची नहीं? भाई? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मतलब मतलब जब वो यहाँ आई थी तो बहुत रो रही थी। आई, आई देखो ना, माँ बेटे ने मार मार के क्या हाल कर दिया है मेरा। आई आई बात बात पर हाथ चलाते, डंडा झूठा जो दिखा बस। आई मुझे इन लोगों से बचा लो, आई ये लोग मुझे मार डालेंगे, आई मुझे बचा लो। चुप हो जा बेटा, रोते नहीं बेटा, चुप हो जा। आई बस कर, आई सांप जानवर की तरह मारा था उसको, फिर भी हम लोगों ने समझा है कि ऐसे घर छोड़ के नहीं आते। हम बात करेंगे अरुण और उसके आई के साथ। सांप बहुत मारा था उसको, बहुत डरी हुई थी वो, बहुत रोए जा रही थी। हमने समझाया तो अपने घर के लिए निकल गई। साहब मारना तो छोड़ो, मैंने कभी उसे घूर के भी नहीं देखा था। बहुत प्यार करता था मैं श्वेता से, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था।
अरुण बहुत अच्छा आदमी है साहब, कभी उसकी बीवी के साथ उसकी खटपट नहीं हुई। एक बात तो श्वेता भी मानती थी, उसको अच्छा पति मिला। साहब उन दोनों के बीच में भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरुण की माँ श्वेता को दिन रात सुनाती थी। साहब भाई तो कभी कभी मुझे भी सुनाती थी, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। और ये सास बहू का प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं था कि श्वेता ऐसे घर छोड़कर चली जाए। अच्छा हुआ वो चली गई, भगवान करे वो वापस ही ना आए। ऐसी क्या दुश्मनी थी उससे कि हमदर्दी की जगह नफरत थी? मेरा तो हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया उसकी वजह से। जब देखो तब आंसू बहाती थी, पता नहीं किस बात का मातम मना रही थी। तीस त्योहार पे भी कभी खुशी नहीं थी उसके चेहरे पे। कितनी बार मैंने उसे बेडरूम के बाहर रोते हुए देखा है। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रॉब्लम क्या है? बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी ना, इसलिए शायद रोती होगी। मुझे पता है साहब, वो माँ नहीं बन सकती। क्या? मैं जानती हूँ आपको सदमा पहुंचा है, आपके साथ धोखा हुआ है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं झूठ बोल के अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। अगर आप मुझे छोड़ना चाहें तो। सुनकर ऐसी खोपड़ी खसक गई थी मेरी, मन किया कि बाद में मुझे लगा कि श्वेता मुझे सब कुछ छिपा भी सकती थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया। और उसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी साहब, मैंने उसके ये सच के साथ एडजस्ट कर लिया और सोचा कि बाद में आई को भी मना लूंगा। साहब मैं श्वेता से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए प्लीज। सर अगर अरुण सच बोल रहा है तो इसका मतलब है श्वेता झूठ बोल रही है। यही पता लगाना है कि श्वेता झूठ बोल रही है या उसके आड़ में उसके मैके वाले। सर ताज्जुब की बात यह है कि श्वेता के मोबाइल का लास्ट लोकेशन ये जयसिंहपुर और सांगली के बीच में दिखाई दे रहा है। जयसिंहपुर और सांगली के बीच में, मतलब ससुराल और मैके के बीच में। मतलब जब श्वेता अपने मैके से ससुराल जा रही होगी तब बीच में उसके साथ कुछ हुआ होगा। हेलो, ओके सर, श्वेता का पता चल गया है। अगर ये यहाँ तक आई तो यहाँ तक पहुंची कैसे? किसी ने देखा है उसे? चलो बाजूरा। सर ये वेटर है, कुछ बताना चाहता है। साहब जब ये बस से उतरी तो मैंने इसे टॉयलेट जाने का रास्ता बताया था, वहीं पे गई थी वो। हाँ बैठो बैठो, बैठ लो वहाँ पे बैठ लो। लेडीज टॉयलेट कहाँ है? जी वहाँ पे मेरा। अच्छा वहाँ पर है जी। थैंक यू। कोई था उसके साथ? नहीं अकेली थी। बस कौन सी थी? कोई प्राइवेट बस थी, अंबर ट्रैवल। शिंदे सर अंबर ट्रैवल्स के सारे पैसेंजर की लिस्ट निकलवाओ। ओके सर। नलोड़े श्वेता के ससुराल वाले और मैके वालों को इन्फॉर्म कर दो। क्या? हाँ 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 हम अभी पहुंच रहे हैं। हाँ दादा कहाँ जा रहे? आई आई बाहर है कामिनी। दादा क्या हुआ बताओगे? अरे क्या हुआ भाई? श्वेता का खून हो गया। अच्छा हुआ नरक जैसी जिंदगी से छुटकारा मिला उसे। जहां भाइयों को अपनी बहन और मां को अपनी इकलौती बेटी के कत्ल का दुख नहीं था बल्कि खुशी थी। राजन मोहन रेणुका और अरुण सभी संदिग्ध थे, लेकिन किसी पर भी शक के सिवाय कुछ साबित नहीं था। नीच लोग, किसी भी चीज की शर्म नहीं आती। सोड़ा ना वही, जिनकी बेटी है उनको नहीं पढ़िए तो तुमको क्या? वो ही तो, अरे घर की बेटी मरी है, इनको जरा भी दुख नहीं है और ऊपर से हंस रहे। अब हम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, श्वेता ही नहीं रही तो बोलेगा कौन? बोल सकती है वो लड़की, बोल सकती है। मैं पिंकी हूँ,
पनाला से आई हूँ, मुझे मेरी आई से मिलना है। गधे हो तुम, उसे जिंदा छोड़ दिया, जाओ ढूंढो उसे। चल भाग। देख कैसे नाटक कर रहा है। ए, रोके किसको दिखाता है? हमारी बहन को मार दिया और अभी यहां पे नहीं मारा उसे। ए, झूठ के बताने के लिए चुप। ये पुलिस स्टेशन है, मेरा मोहल्ला नहीं। मैं सच कह रहा हूं साहब, मेरे साथ बहुत खुश थी वो, बल्कि वो महके जा रही थी तो बहुत दुखी लग रही थी। ये क्या, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आई के घर। कल सुबह के बस का टिकट लिया है। ये अचानक प्लान बना लिया? आई का फोन आया था क्या? नहीं, कोई फोन नहीं आया, बस मुझे उनसे कुछ काम है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं चलूँ साथ में? प्रॉब्लम ही तो पता करने जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे अकेले जाना होगा। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मुझे लगा इस बात की कोई अहमियत नहीं होगी, मतलब माँ बेटी भाई बहन के बीच के कोई गलत फहमी हो गई होगी बस। हे, हम लोग के बीच कोई गलत फहमी नहीं थी, साहब झूठ बोल रही है। चुप, ये ऐसी सच्ची झूठी कहानियां यहाँ बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन सच हमसे ज्यादा देर छुपता नहीं, समझे? जाओ, लेकिन यहां से गांव से बाहर जाना नहीं। इससे शादी महंगी पड़ गई। क्यों पुराना दुखड़ा रो रहा है? डर मत, पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। चल, आई का फोन। कुछ बोल मत अभी। हाँ। चल। हाई। अरे आई, तू क्यों टेंशन ले रही है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि वो लड़की अपनी माँ को ढूंढ रही, तू टेंशन मत ले। चल आके बात करते। ये रहे अंबर ट्रैवल्स के पैसेंजर के रिकॉर्ड्स। कुछ क्लू मिला इसमें? नहीं सर, आते हुए जाते हुए किसी भी पैसेंजर के साथ श्वेता का कोई कनेक्शन नहीं निकला। ये कैसे पॉसिबल है कि उस वक्त श्वेता को पहचानने वाला इसमें या ढाबे पर मौजूद नहीं था, या फिर चोरी के मकसद से हमला किया हो? नहीं सर, क्योंकि हमने मोबाइल और पर्स दोनों बरामद किए, चोरी का मकसद नहीं हो सकता। सर, एक आदमी बेहोश लावर इस बच्चे को लेकर आया है। नलोड़े, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ बेटा, आंखें खोलो, धीरे धीरे आंखें खोलो, वेरी गुड, खोलो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कहाँ रहती हो, पता याद है? दोबारा आई का नाम लिया या हमारे घर आई तो इधर ही जंगल में गाड़ दूंगा तुझे। सर, मुझे लगता है कि बच्ची के साथ कुछ हादसा हुआ है और उसका असर उस पर अभी भी है। नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। नलावड़े, बच्ची का फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, हो सकता है कहीं किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो। ओके सर। नलावड़े, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता मां बन चुकी थी, उसके बाद ऑपरेशन करके उसका यूट्रस बंद करवाया गया था, तो फिर श्वेता ने अरुण से झूठ क्यों कहा कि वो कभी मां नहीं बन सकती? सर, पॉसिबल है कि झूठ श्वेता नहीं, अरुण बोल रहा है। साहब, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। श्वेता ने कहा था कि वो
श्वेता को बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है साहब। यही तो हम भी कह रहे हैं, तुझे यकीन नहीं हुआ कि उसने तुझसे झूठ कहा है और तेरा महान बनने का नाटक बीच में ही खत्म हो गया, तो इसी का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला। साहब मुझे अभी आपसे ये बात पता लगी है, तो बदला किस बात का? इसका मतलब मेरा शक सही था। मतलब? मतलब कुछ दिन पहले मैं मंदिर जा रही थी, तभी मैंने देखा आप उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, तो ये बात आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताई? उसी दिन बताई थी, लेकिन ये उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि ये बात इसके कानों तक नहीं पहुंची। अभी हम चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर से पूछताछ करेंगे। नलौड़े, श्वेता के कॉल रिकॉर्ड्स में एक क्लिनिक का नंबर भी था ना? हाँ सर। वो मेरी पेशेंट थी और पिछले कुछ दिनों से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने उसके वैसेक्टोमी के ऑपरेशन के बारे में उसे बताया था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका ऑपरेशन हुआ है। पता नहीं था मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर कि ये ऑपरेशन उसके मर्जी और जानकारी के बिना हुआ था। क्या? लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि पहले डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से मैं कभी मां नहीं बन सकती। मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही चली गई थी। श्वेता के इस ऑपरेशन के बारे में उसके फैमिली में से किसी के साथ ये बात आपने शेयर की थी? हाँ, उसके हस्बैंड से। मतलब वो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई थी? जी नहीं, वो अकेली आती थी, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड मेरे क्लिनिक आए थे उसकी डिटेल जानने। हम ऐसे अपने पेशेंट की पर्सनल डिटेल किसी को शेयर नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने अपनी और श्वेता की शादी की फोटो दिखाई तब मैंने ये डिटेल्स उनसे शेयर की। क्या ये वो आदमी था? जी नहीं, वो ये आदमी नहीं था। मैंने उसके साथ आधे घंटे बहस की थी, इसलिए मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद है। इस केस ने एक नई करवट ली थी जहां श्वेता के एक और पति और शादी का वजूद सामने आया था, पर आखिर इस वजूद की पहचान क्या थी? क्या इस नए पहलू में राजन, मोहन, रेणुका और अरुण का सार था? क्या भूमिका थी इस एक और शादी की श्वेता के कत्ल में? वो आदमी अरुण नहीं है, तो इसका मतलब श्वेता की और एक शादी हुई है, और इस दूसरे आदमी का श्वेता के कत्ल में जरूर हाथ होगा। ये दूसरा आदमी कौन है हमें सिर्फ गायकवाड़ फैमिली ही बता सकती है। नलौड़े, इस गायकवाड़ फैमिली की पूरी छानबीन करो। ये लोग सीधे सीधे मुंह खोलने वाले नहीं है, और टेढ़ा करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। सर, बच्ची ने खाना खा ली है, उसके अभी हालत पहले से नॉर्मल है। कुछ बताया उसने? नहीं सर। किसी पुलिस स्टेशन में बच्ची की कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर। ठीक है, तुम जाओ। ये बच्ची जब बोलेगी तब बोलेगी, तब तक हम हमारा काम करते हैं। साहब, गायकवाड़ फैमिली को 2 साल हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए, अभी तक तो सब ठीक ही है। नहीं साहब, ऐसी तो शांति है, कभी कभी वो लड़के को लड़के कहाँ सुनी हो जाती है। कौन से लड़के? बड़े बेटे की लड़के है ना, रितु। सब टालने की कोई बात ही नहीं है, जबकि अरुण के पहले उसकी शादी थी ही नहीं तो क्या बताए ना। और अगर वो माँ नहीं बन सकती बोल के शादी करते तो लड़का नहीं मिलता, इसलिए छुपाए, बस और कुछ नहीं। और वो ऑपरेशन, वो क्यों छुपाया या करवाया? आजकल दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं समझ पाता है। एक तो हमने हमारी बेटी खोई है, और आप हम पे शक कर रहे हैं, और हम क्यों करेंगे उसका ऑपरेशन? हमें उस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। सर, रितु आपकी बेटी है? हाँ साहब। क्यों? मेरी बच्ची! अहिप, मेरी बच्ची! 2-3 दिन पहले मारा है, इसलिए बॉडी सड़ चुकी है। नलौड़े, वो दाग देख रहे हो? कहीं दूर मारा है और यहाँ लाश फेंकी है।
सर के पीछे वार किया है, इतनी भारी चीज से मारा है। मर्डर वेपन बरामद हुआ? नहीं सर, हमने पूरा इलाका छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पूरा एरिया सील कर दो और हथियार ढूंढ लो और ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। आपकी बेटी 3 दिन से घर नहीं आई और घर में किसी को सूझा नहीं कि इसे ढूंढ लिया जाए। साहब वो लापता नहीं हुई थी, कॉलेज के टूर पे गई थी कीरपुरवाड़ी। हमें क्या पता कोई उसे इतनी बेरे में से। आपको किसी पे शक जो ऐसा कर सकता है? किस पे शक करेंगे, मेरी बेटी तो एकदम सीधी थी, बस अपने काम से मतलब रखती थी। आजकल की लड़कियों की तरह वो पता नहीं साहब किसी की नजर लगाई हमारे घर में। पहली बेटी मर गई, अब पोती मर गई, वो भी ऐसी हालत। आपने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा? 3 दिन पहले जब वो टूर पर गई थी। आपके उसके साथ संबंध कैसे थे? वैसे जैसे हर माँ बेटी के होते। अच्छा, किसी से खास दोस्ती थी रितु की? नहीं साहब, मेरी रितु ऐसी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है उसके कत्ल की? यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह हो सकती है। सर ये बात आपको कुछ अजीब नहीं लगी कि एक ही घर की दो बेटियों का कत्ल हो गया? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये दोनों मर्डर से एक दूसरे की कड़ी है। और ये गायकवाड़ फैमिली कुछ ज्यादा ही स्मार्ट प्ले कर रही है। नलोड़ एक काम करो, रितु के कॉलेज में जाओ और ये टूर वाली बात कितनी सच है इसका पता करो। ओके सर। सर 12 सितंबर को टूर गया था, उसमें रितु गायकवाड़ का नाम भी मेंशन है, लेकिन उस दिन वो आई नहीं थी। सर वो टूर के लिए निकली तो थी लेकिन पहुंची नहीं, इसका मतलब है किसी बीच उसका खून हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खून 12 तारीख को 7 से 8 बजे के बीच में हुआ है। अच्छा, ये गायकवाड़ फैमिली के इतिहास में कुछ वर्तमान की झलक मिली? सर फैमिली मेंबर में से किसी के ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन एक बात बहुत अजीब लगी सर, ये फैमिली 2-3 साल से ज्यादा किसी भी शहर में टिकती नहीं है। पहले शिलवाड़, उसके बाद कोल्हापुर, उसके बाद कराड़ और अब जयसिंहपुर। मतलब 10 साल में 4 बार शहर बदला है, इस बदलाव की कुछ खास वजह? वजह तो पता नहीं है सर, लेकिन एक बात जरूर है, पिछले 10 सालों में इस फैमिली के रहन सहन, उठना बैठना, घर, यहाँ तक कि गाड़ियों में काफी तरक्की है। मतलब जब जब शहर बदला है तब तब तरक्की हुई है। एक काम करो ना लौड़े, ये राजन और मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है इन कॉल रिकॉर्ड्स में इनकी तरक्की का राज छुपाओ। ओके सर। सर राजन और मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स, इनके फोन पर जालिंदर कामड़े नाम के आदमी का कई बार फोन आया। कौन है ये? सर ताजगांव का जमींदार है। नलोड़े पता करो इस जमींदार का गायकवाड़ फैमिली से क्या वास्ता है। ओके सर। सर पन्नाला पुलिस स्टेशन में इसी बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है, बच्चे का नाम पिंकी है। पिंकी बाबा, पिंकी बच्चा मेरा, बेटा बेटा कहाँ चली गई थी तू और क्यों गई थी? अज्जी ने कहा था कि अपनी आई के पास जा, तो मैं चली गई। हाँ कहा था, अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का इसे भगा देती। आपको इस बच्चे से इतनी नफरत क्यों है? नफरत इससे नहीं, इसकी माँ से है। अपने भाइयों के साथ मिलकर इसने मेरे बेटे को फंसाया है, उससे शादी की, उसके बाद उसे तलाक दे दिया और इस मुसीबत को हमारे गले डाल दिया। जिस औरत की वजह से मेरे बेटे ने 10 साल तक शादी नहीं की, उसकी औलाद को मैं अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? क्या नाम है उस औरत का? श्वेता गायकवाड़। साहब तब झूठ बोला था, श्वेता की एक शादी हुई थी। तुम्हारे बयान का खून हुआ है, इसका मतलब समझते हो तुम? साहब हम डर गए थे,
और शादी आज की थोड़ी ना 10 साल पुरानी थी। हाँ, इसलिए लगा नहीं कि ये बात बताने जैसी है। ये बात कैसी है अब हम तुम्हें बताएंगे, वो भी जल्दी। आखिर क्या वजह थी कि एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग नहीं कर रही थी और एक भाई जो रक्षा की कसम खाता है अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रहा था, या फिर यूं कहें कि इसके पीछे कोई लालच या स्वार्थ था। लेकिन राजेश की वजह से एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि डॉक्टर का बयान गलत नहीं था, श्वेता का वाकई एक और पति था और जिसके पास उसके कत्ल का मकसद भी था। यही मकसद अरुण का श्वेता के अतीत को लेकर हो सकता था। जायज नाजायज दृश्य अदृश्य मकसद के दायरे में श्वेता की माँ और भाई भी थे। सर, 10 साल से मैंने श्वेता की शक्ल तक नहीं देखी, आप मुझे ऐसे। डॉक्टर यही है ना श्वेता का पति? जी नहीं, वो ये नहीं है। ये नहीं है तो और कौन है? सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं नहीं था। 10 साल हो गए, गायकवाड़ फैमिली मेरी कुंडली में नाक बन के बैठी हुई है। सर पहले तो बेवकूफ बना के वो पैसे हट लिए उन्होंने और अब ऐसे फंसा रहे हैं। कौन से पैसे? सर 2004 में मेरी और श्वेता की शादी हुई थी और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर वो प्रेग्नेंट हुई और अपनी पहली डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई। सर फिर एक दिन अचानक उसके भाई मेरे घर आए और क्या भाव? ए चुप, तुझे मालूम था ना श्वेता प्रेग्नेंट है, फिर भी मारा उसको? मारा? ये मत समझ कि वो अकेली है, उसके भाई है उसके साथ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, किसने कहा आपसे ये सब? चल रहे है? नाटक मत कर, मैंने खुद देखे श्वेता के मार के निशान, कितना रोती है वो मालूम है? लगता ये हाथ की बात समझेगा। अरे हाथ क्यों चलाना, कानून है ना। अब तू देख घरेलू हिंसा के मामले में कैसे सारी जिंदगी तू जेल में चक्की पीसेगा। अगर जेल जाने से बचना चाहता है ना तो 10 लाख रुपए दे और खत्म कर। सर 10 लाख देने के बाद श्वेता ने मुझे तलाक दे दिया, फिर जब पिंकी पैदा हुई तो दोनों भाई उसे मेरे पास छोड़ गए ये बोलकर कि वो मेरी जिम्मेदारी है। और सर मैंने भी अपनी बच्ची को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया, फिर आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने उसे। क्या कमी होने नहीं दी? 2 वक्त का खाना तक नहीं दिया? वो होती ना तो बताती आपको, वो घर उसके लिए नरक था। और पैसा तो बहन की जिंदगी बनाने के लिए था ना साहब, उसकी दूसरी शादी भी तो करनी थी। और उस राजेश ने आपको ये नहीं बताया कि हमने एलिमनी का 1 रुपया तक नहीं लिया, उल्टा झूठी कहानी बता रहा है वो। सच बोलने की बात आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा है कि जो आदमी उसे मिलने आया था वो ना तो अरुण था ना राजेश, तो ये तीसरा आदमी कौन था? साहब वो हमें मालूम नहीं, लेकिन यकीन कीजिए हम लोग सच बोल रहे हैं। लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम जालिंदर कामले से ही मिल के आए। सर राजन की बेटी ऋतु के साथ मेरे लड़के की शादी तय हुई थी, शायद शादी लड़के की मर्जी के खिलाफ हो रही थी। मैंने बोला भी था उसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, मेरे लड़के के लिए और भी रिश्ते हैं। लेकिन ना वो रिश्ता तोड़ रहा था ना शादी की तारीख पक्की कर रहा था। क्या ऋतु की शादी उसके मर्जी के खिलाफ हो रही थी? हाँ साहब, लेकिन बेटी की शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? शादी करना नहीं, लेकिन जबरदस्ती शादी करना गुनाह है। एक तो तुम्हारी बहन की शादी कंट्रोवर्सी में है, ऊपर उसका खून हुआ है, तुम्हारे बेटी ने शादी को मना कर दिया है, उसका भी खून हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं रितु ने शादी के लिए ना किया इसलिए तूने उसका खून कर दिया? ऑनर किलिंग। चलो तुम्हें किसी से मिलवाते हैं। यही है वो, इसने ही मारा मेरी बेटी को। नहीं साहब, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम तो शादी भी करने वाले थे साहब, लेकिन यही हमारे शादी के खिलाफ थे। बोल किसके साथ घूम गया? बोल किसके साथ घूम गया? बोल। अरे छोड़ो उसे, जवान बेटी को ऐसे मारते क्या? अरे चुप, तुझे पता नहीं है ये तेरी बेटी है ना, इसको जवानी कितनी चढ़ी है, एक दिन हमारी सबकी नाक कटवाएगी। ये तुझे बोल रहा हूं मैं, सुधर जा नहीं तो जान से मार दूंगा। मैं जहां बोल रहा हूं वहां चुपचाप शादी कर ले। मैं मर जाऊंगी लेकिन मोहसिन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुमसे बड़ा मकसद और किसी का नहीं हो सकता रितु को मारने का, बोला था मार दोगे और मार दिया। नहीं साहब, वो तो मैंने गुस्से में बोला था, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा। सर ये रितु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अपने पूरे करियर में कत्ल का ऐसा हथियार पहली बार सुना मैंने। हाँ सर,
रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन रितु के सिर पर मंदिर के घंटी से ही वार किया गया है। सर, मंदिर के मान्यता के मुताबिक रितु ने देवी माता के दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे जाकर माथा टेका होगा और कातिल ने उसी मौके का फायदा उठाया होगा, रितु के सिर पर वार किया होगा। रितु वहीं गिर गई होगी और फिर कातिल ने उसे घसीट कर दूर झाड़ियों में फेंक दिया होगा और उसके ऊपर शाल उड़ाई होगी और उसके बाद कातिल ने बड़ी सफाई से मंदिर की घंटी को साफ करके जगह पर रख दिया। लेकिन उसकी इस चालाकी को फॉरेंसिक रिपोर्ट ने मात दे दी, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और सर, हथियार से भी ज्यादा चौंकाने वाला वो नाम है जिसके फिंगरप्रिंट्स घंटी पर मिले। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? चलिए, वजह तो आपको पता होगी। जिस मंदिर की घंटी से रितु का कत्ल हुआ है उस पे आपके फिंगरप्रिंट्स है। सर, यही था। जुर्म तो आपने कबूल कर लिया है, अब वजह भी बता दीजिए। बताइए, क्यों मारा आपने रितु को? वजह मैं नहीं बता सकती। देखिए, या हाँ ना लौड़े बोलो। सर, वो स्केच रेडी हो गया है। एक काम करो, ये गायकवाड़ फैमिली जहां जहां शिफ्ट हुई है वहां के आसपास के लोगों को वो स्केच दिखाओ, कोई ना कोई तो उसे जरूर पहचानेगा। ओके सर। चलो हमारे साथ। हाँ साहब, मैंने ही मारा था श्वेता को। शादी के 6 महीने बाद ही अपने घर जाके बैठ गई थी और अपने भाइयों के साथ मिलकर मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा इल्जाम लगाया था और मुझसे 10 लाख रुपए लूट लिए थे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। मेरा घर तोड़कर नया घर बसा कर बैठी है तू? है? तुझे क्या लगता है, तू अपने भाइयों के साथ मिलकर मुझ पे 498A लगाने की धमकी देकर मुझसे 10 लाख रुपए लूट कर ऐसे चैन से बैठ जाएगी? है? अविनाश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, तुम कुछ गलत समझ। गलती है ना, गलती मैंने की है तुझसे शादी कर कर, और वो गलती मैं अब सुधारूंगा तुझसे बदला लेकर, समझी तू? मैंने उसे ढूंढा, उसका पीछा किया, फिर उस पर नजर रखी और जब डॉक्टर मधु से मुझे उसकी ऑपरेशन और डिलीवरी के बारे में पता चला तब मेरी खोपड़ी और भनक गई थी। उन सब लोगों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया। मैंने उसके घर पर नजर रखी हुई थी। जब 11 तारीख को वो जयसिंहपुर निकल गई, जाते वक्त मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन आते वक्त मुझे मौका मिल गया। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी है कि मैंने एक नीच औरत से अपना बदला ले लिया। शायद तुमने एक मासूम इंसान से गलत बदला लिया है। मुझे वो वजह पता चल गई जिस वजह से तुमने अपने बेटी को मार दिया। मारती नहीं तो क्या करती? जब श्वेता की पहली शादी टूटी तो बहुत डर गई थी मैं। Ha 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 ha
श्वेता, अब तू ही बता, तलाक के अलावा और कोई रास्ता है क्या? पर भाव, मैं कैसे उसे? क्या उसे? तू उसे तलाक नहीं देगी ना तो भी एक दिन तुझे छोड़ देगा वो। और तू आई के बारे में सोच, आई की कितनी बदनामी होगी। मैं बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगी उसे। अरे उठना मेरे बाप, आई इंतजार कर रही है। समझाएगी उस नीच आदमी को तू? और सिर्फ अपने बारे में नहीं, आई के बारे में सोच। हाँ? हम तीनों को उसने संभाला है, कितनी मेहनत से घर खड़ा किया है। बदनामी हो गई ना तो मर जाएगी वो। श्वेता तू घबरा मत, हम लोग हैं ना तेरे साथ। हाँ, एक बार गलती हो गई दोबारा नहीं होगी, हम इससे अच्छा लड़का ढूंढेंगे तेरे लिए। आई तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी। आई आई आके कॉल आई आई उसके बाद एक पे एक शादी फिर तलाक। उसके सगी माँ और भाइयों ने उसे पैसा कमाने की मशीन बना दिया था। फिर उसे झूठ बोला कि उसका बच्चा मर गया है और उसे बिना बताए उसका ऑपरेशन करवा दिया ताकि दूसरी शादी तोड़ने के लिए बच्चा अड़चन ना बने। और फिर एक दिन जब श्वेता का पता चला। तुम लोगों ने तो नीच होने की सारी हदें ही पार कर दी। तुम लोगों की वजह से अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे अरुण जैसा प्यार करने वाला पति मिला। लेकिन अगर आइंदा से किसी ने मेरे घर की तरफ देखने की भी कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम दोनों मेरे सगे भाई और आप मेरी माँ हो। मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। याद रखना तुम सब। आइए के पागल है क्या, क्या समझाएंगे अभी इसको? जाने दे रही, दिस की हो गई। अगर शादी तोड़ी ना उसने तो हमें बिठा के खिलाना पड़ेगा। तेरी रितु है ना, वो अब अपना फर्ज निभाएगी। हाँ माँ, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है, इसकी उम्र तक तो रितु की 7-8 शादियां हो सकती है। तुमने पहले अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब अपनी बेटी की करना चाहते हो? कुछ तो शर्म करो। बकवास मत कर, ये तो दूंगा एक रख के, चल। और जब मुझे रितु को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने ये फैसला किया कि मैं रितु को वहां भेज दूंगी जहां ये लोग चाहकर भी उसका सौदा ना कर पाए।
गई ना हाथों से, शाल उड़ाकर विदाई की है उसकी इस दुनिया से, और मुझे सुकून है कि मैंने उसको मारकर उन सब तकलीफों से दूर कर दिया जो उसको जीते जी झेलनी पड़ती। चार चार शादियां, वो भी पेट पालने के नाम पे अय्याशी के लिए। किसी एक की बलि चढ़ाने से बेहतर होता तुम दोनों मुस्तंडे कुछ जिम्मेदारी उठाते। काम चोरी और लालच को मजबूरी का नाम देते हो। बैठाओ सबको गाड़ी में, उठ ले जाओ। अरे अरे छोड़ो। अरे असुरक्षा अगर घर में ही पैदा होने लगे तो इंसान करे तो क्या करे। यहाँ राजन, मोहन और रेणुका जैसे उदाहरण भी हैं जो सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए, मेहनत से बचने के लिए अपनी औलाद तक की बलि चढ़ा सकते हैं। अविनाश को श्वेता और नीलम को ऋतु की हत्या के लिए सजा हुई, और राजन, मोहन और रेणुका को श्वेता की जबरदस्ती शादियों, झूठे 498A केस और जबरन वसूली के लिए गिरफ्तार किया गया। बहुत बारीक फर्क है किसी की सहायता करने में और किसी के द्वारा इस्तेमाल होने में, लेकिन इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये फर्क नहीं समझा तो सामने वाला हमें सिर्फ जरूरत के सामान जितनी अहमियत देगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।